फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मिक्स फॉर पेमेंट्स। एंड ये तरीका जो है आईआरसी एसपी 68 में दिया हुआ है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट पेमेंट जनरली लो वॉल्यूम रोड्स के लिए यूज की जाती है, जहां पर आपका ट्रैफिक 450 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे से कम होता है। और ये जनरली फॉरेस्ट रोड्स या पार्किंग एरिया या शोल्डर में यूज करते हैं, जहां पे आप हैवी ट्रैफिक की उम्मीद नहीं करते हैं। रूरल रोड्स भी अंडर पीएमजीएसवाई भी आरसीसी यानी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यूज की जा रही है, पर ध्यान रहे कि ट्रैफिक जो है 450 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां पे स्पीड जो है क्राइटेरिया नहीं है, या कहें कि जहां स्पीड ट्रैफिक की बहुत ज्यादा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इन लो वॉल्यूम रोड, तो वहां पे आप रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट पेमेंट बिना बिटमस सरफेसिंग के यूज कर सकते हैं और एक अच्छा ऑप्शन है। अब चूंकि ये रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ नहीं बनता है, इसलिए इसकी रफनेस भी एक हायर लेवल पे एक्सेप्ट की जा सकती है, और ये वैल्यू आपके आईआरसी कोड में 3200 मिलीमीटर पर किलोमीटर दी हुई है। जो डिजाइन है रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का, वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ के बेस पे होता है। तो M30 ग्रेड की कंक्रीट आपको बनानी है, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 MPa और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ 3.8 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। CBR 5% से कम नहीं हो, और थिकनेस जैसा कि हम लो वॉल्यूम रोड पे लेते हैं, सबग्रेड की थिकनेस 300 मिलीमीटर कम से कम ली जाती है। मिक्स डिजाइन करने के लिए जो आपको मटेरियल चाहिए वो सब वही होता है जो नॉर्मल कंक्रीट में होता है, सीमेंट है, मिनरल मिक्सचर्स हैं, ये फ्लाई ऐश भी हो सकता है या ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी हो सकता है, एग्रीगेट दो तरह के, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और पानी वाटर। सीमेंट आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर IS 269, ग्रेड 43 या 53 दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। आपका सीमेंट पोर्टलैंड पोजलैंड सीमेंट भी हो सकता है, जिसका आप टेस्ट करेंगे एज पर IS 1489 पार्ट 1, और ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट एज पर IS 455 भी हो सकता है। कंपोजिट सीमेंट, कंपोजिट सीमेंट वो सीमेंट होता है जिसमें के पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर का एक पार्ट जो है आप किसी इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट से रिप्लेस करते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश वगैरह है। तो कोड कहता है कंपोजिट सीमेंट जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 43 MPa से ज्यादा हो, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और जहां पर सॉयल में सोल्यूबल साल्ट आपको महसूस होते हैं, जैसे कि सल्फेट, और इनकी मात्रा 0.5% से ज्यादा होती है, तो वहां पे सीमेंट भी आपका सल्फेट रेजिस्टेंट होना चाहिए, और इसकी टेस्टिंग आप IS 12330 के हिसाब से कर सकते हैं। एडमिक्सचर्स या तो फ्लाई ऐश के फॉर्म में हो सकते हैं या ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के फॉर्म में हो सकते हैं। अगर ये फ्लाई ऐश के फॉर्म में है तो इसको IS 3812 के हिसाब से टेस्ट किया जाए फ्लाई ऐश को, और उसकी रिक्वायरमेंट कोड में ये दी हुई है कि फाइननेस, इसे हम स्पेसिफिक सरफेस भी कहते हैं, वो 320 मिनिमम, पार्टिकल रिटेन ऑन 45 माइक्रोन 34%, दैट इज मैक्सिमम, लाइम रिएक्टिविटी मिनिमम 4.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, एंड साउंडनेस मैक्सिमम 0.8%, एंड ड्राई श्रिंकेज मैक्सिमम 0.15%। और फ्लाई ऐश जब आप यूज कर रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ सीमेंट, तब फ्लाई ऐश की मात्रा 25% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग या GGBFS यूज कर रहे हैं, तो इसकी मात्रा 40% बाई वेट ऑफ सीमेंटिशियस मटेरियल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसको आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में मिला सकते हैं, चाहे वो 43 ग्रेड का हो चाहे 53 ग्रेड का हो। ये GGBFS को टेस्ट करना जरूरी है एज पर IS 16714। सो एग्रीगेट दो तरह के एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। द कोर्स एग्रीगेट नेचुरल एग्रीगेट जो कि IS 383 में जो रिक्वायरमेंट दी हुई है उसके हिसाब से आपकी
टेस्ट करना है, उनकी मीट आउट करना है, ये साफ हार्ड स्ट्रॉन्ग डेंस नॉन पोरस होना चाहिए। एग्रीगेट आपके क्रश स्टोन से बनाए जा सकते हैं या ग्रेवल से बन सकते हैं। मैक्सिमम साइज 26.5 मिलीमीटर, एब्रेजन वैल्यू 35% से कम होना चाहिए, कंबाइंड एलोंगेशन फ्लैकनेस इंडेक्स 40% से कम होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन 3% से कम होना चाहिए और इंपैक्ट वैल्यू भी 30% से कम होनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें कि आपके एग्रीगेट एल्कली रिएक्टिव नहीं हो और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 30% से कम रहे। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन 3% से ज्यादा है तो उसके लिए जरूरी है कि हम साउंडनेस टेस्ट करें, और जब एग्रीगेट साउंडनेस टेस्ट में पास हो जाए तभी उसको यूज करें। लेकिन एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ये 5% ज्यादा है तो एग्रीगेट यूज नहीं करेंगे। फाइन एग्रीगेट क्लीन नेचुरल सैंड हो सकता है या क्रश्ड स्टोन सैंड हो सकता है, या दोनों को मिला के भी आप यूज कर सकते हैं, पर दोनों केस में IS 383 के हिसाब से इसकी टेस्टिंग करनी चाहिए। डिलीटरियस मटेरियल्स जो फाइन एग्रीगेट या सैंड में होते हैं उसकी मात्रा इस तरह से है, क्ले लंप 1% से कम और कोल एंड इग्नाइट भी 1% से कम होना चाहिए, और मटेरियल जो 75 माइक्रोन सीव से पास हो, नेचुरल सैंड के केस में वो 3% से कम हो और क्रश्ड सैंड के केस में 8% से कम हो। कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट को इस तरह से मिलाएं कि उसकी ग्रेडिंग जो है वो इस टेबल में दी हुई ग्रेडिंग के हिसाब से मैच करें। और यहाँ फिर मैं कहूँगा कि आपको टारगेट रखना है कि इसका मिड पॉइंट जो है वो आपकी फाइनल ग्रेडिंग आनी चाहिए। वाटर क्लीन पोर्टेबल वाटर IS 456 के हिसाब से आपको टेस्ट करना है, और मिक्सिंग और क्योरिंग के लिए वाटर की पीएच वैल्यू 9 तक परमिटेड की गई है। तो जब आपके पास सब इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं तो देन वी गो फॉर मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन यहाँ जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है। द मॉइस्चर कंटेंट ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि आपकी कॉन्क्रीट ना तो बहुत ड्राई हो और ना ही बहुत वेट हो। ये अगर बहुत वेट होगी तो आपका वाइब्रेटरी रोलर के पहिए उसमें धस जाएंगे, और इतनी ड्राई हो कि ये रोलर को सपोर्ट कर सके। ठीक है, ड्यूरिंग मिक्सिंग लेइंग एंड कॉम्पैक्शन ऑपरेशन, और इतनी वेट भी हो कि जो सीमेंट की पेस्ट है वो रोलिंग के टाइम पे पूरे के पूरे सरफेस पे एक अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और ये हम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन कॉम्पैक्शन टेस्ट जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये ध्यान रखें कि रोल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट एक जीरो स्लम कंक्रीट है, तो यहाँ स्लम टेस्ट नहीं करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कर्व। सो पहला स्टेप है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट एंड टेस्टिंग ऑफ वाटर। तो जो आपके पास एग्रीगेट है, सीमेंट है, वाटर है, उन सबको आप रेलिवेंट कोड के हिसाब से टेस्ट करें और डिक्लेयर करें कि आपके एग्रीगेट, आपका सीमेंट और आपका वाटर मिक्स डिजाइन के लिए तैयार है। देन प्रपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट। जनरली साइट पे 3 तरह के एग्रीगेट आपको मिलेंगे, 20 मिलीमीटर का, 10 मिलीमीटर का और फाइन एग्रीगेट सैंड। इन तीनों को मिला के आपको ऐसे डिजाइन करना है, प्रपोर्शनिंग करना है कि आपकी ग्रेडिंग जो मैंने आपको रेंज दिखाई है उसके अंदर आ जाए। उसके लिए कई मेथड हैं, मैंने एक वीडियो में ये 3 मेथड डिस्कस किए हुए हैं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं या अपना कोई मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप तीनों चीजों को मिलाएं, 20 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर एंड फाइन एग्रीगेट, तो आपकी ग्रेडिंग इसके आसपास रहनी चाहिए। मैक्सिमम डेंसिटी के लिए आपकी ग्रेडिंग मिड पॉइंट के आसपास रहनी चाहिए। तो थर्ड स्टेप will be concrete mixed proportioning। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि roller compacted concrete का mixed design strength के base पे होता है, क्योंकि strength and flexural strength। तो concrete mixed proportioning इस तरह से की जाती है कि आपको target strength मिल जाए। तो पहला trial आप करें starting with 14-18% cementitious material by weight of dry material। यहाँ ध्यान रहे
जब मैं कहता हूं कि सीमेंटिशियस मटेरियल, इसका मतलब है सीमेंट प्लस फ्लाई ऐश और सीमेंट प्लस स्लैग, दोनों मिला के सीमेंटिशियस मटेरियल बनता है। दी मिनिमम सीमेंटिशियस मटेरियल कंटेंट शैल नॉट बी लेस देन 350 केजी पर मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट। और अगर आप फ्लाई ऐश यूज कर रहे हैं तो आप 25% से ज्यादा नहीं यूज करेंगे, अगर आप जीबीएफएस यूज कर रहे हैं तो 40% ज्यादा नहीं होगा। तो ये इनकी मात्रा लिमिट की गई है ताकि स्ट्रेंथ पे इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो उसके बाद जब आपने सीमेंट कंटेंट डिसाइड कर लिया और फ्लाई ऐश और स्लैग की मात्रा भी डिसाइड कर ली, तो उसके बाद हम ओएमसी और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकालते हैं। तो ट्रायल मिक्सेस बनाते हैं 5% से लेके 8% मॉइस्चर कंटेंट इन स्टेप्स ऑफ 0.5%, यानी 5%, 5.5%, 6% एंड इस तरह से आप 7-8% ले लें और कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच मॉइस्चर कंटेंट आप ड्राई डेंसिटी निकालें। तो जब आप इसको क्यूब बनाए, ये क्यूब से निकलेगी, तो हर मॉइस्चर कंटेंट पे आप क्यूब प्रिपेयर करें और क्यूब प्रिपेयर करने के लिए आप वाइब्रेटरी हैमर यूज करें और फिर क्यूब की आप डेंसिटी निकालें। तो जब आपके पास ये डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट का रिलेशनशिप आ जाए तो आप उसे ओएमसी निकाल सकते हैं। और ध्यान रहे कि फील्ड में जो ओएमसी होगी वो इसे 1-2% ज्यादा होगी, जस्ट टू कंपनसेट इवेपोरेशन लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह का कर्व आप बनाएं, y एक्सिस पे ड्राई डेंसिटी लें, x एक्सिस पे मॉइस्चर कंटेंट लें और इसको प्लॉट करें, तो यहां पे आपको ये मैक्सिमम डेंसिटी मिलेगी और कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डेंसिटी आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा। मान लीजिए ये आपका ओएमसी 6.5% आता है और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यहां पे 2.375 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आते हैं। ये हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द टोटल मॉइस्चर कंटेंट इन द मिक्स। जब आपने कंपैक्शन कर्व ड्रॉ कर लिया तो अगला स्टेप है, आप 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए। तो उसके लिए मान लीजिए आपका ओएमसी 6.5% है और एमडीडी 2.374 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम ये मान लें कि सीमेंटिशियस मटेरियल 16% है टोटल ड्राई मटेरियल का। और हम ये भी मान लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कोर्स एग्रीगेट 55%, फाइन एग्रीगेट 45% और इस सीमेंटिशियस मटेरियल में 25% फ्लाई ऐश है। तो 16% 2374 केजी का हुआ 380 केजी। सो 380 केजी आपका सीमेंटिशियस मटेरियल हो गया जो कि 350 केजी से ज्यादा है, राइट। तो इसका 25% आप फ्लाई ऐश यूज कर सकते हैं, तो फ्लाई ऐश हुआ 95 केजी। अब बाकी सीमेंट रहा 380 माइनस 95, दैट इज 285 केजी पर मीटर क्यूब। 285 केजी सीमेंट आप यूज करेंगे 1 मीटर क्यूब में। एग्रीगेट 84% ऑफ दिस मटेरियल, बिकॉज 16% तो ये चला गया, तो 84% हुआ 1995 केजी। इस 1995 केजी में 55% कोर्स एग्रीगेट है, 45% फाइन एग्रीगेट है, तो वो आप ऐसे कैलकुलेट कर लें। और दिस इज, ये जो आपका आया है ये वेट है इंग्रेडिएंट्स का 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में। इसमें आप पानी मिलाएंगे 6.5%, तो पानी होगा 2374 इंटू 0.065, दैट इज 154.375 केजी। तो इस प्रकार से आप 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का कैलकुलेशन कर लें। जब आपने ये कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप क्यूब और बीम्स को कास्ट करें इस मॉइस्चर कंटेंट पे और इस डेंसिटी पे, ठीक है। अब आप 6 क्यूब और 6 बीम कास्ट कर लीजिए और उनका 28 डेज के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालें और फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ निकालें एंड उसको देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 MPa आ रही है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ 3.8 MPa आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ये नहीं आ रही है तो फिर आप इसमें सीमेंट की थोड़ी सी मात्रा बढ़ाएं और कॉम्पैक्शन कर्व से लेके यहां तक के स्टेप दोबारा रिपीट करें और तब तक रिपीट करते रहें जब तक के आपके ये क्राइटेरिया मीट आउट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। थिकनेस, जो रोल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट पेवमेंट की थिकनेस है उसको आप डिजाइन कर सकते हैं IRC SP62 के हिसाब से। और जब आपने ये पूरा मिक्स डिजाइन कर लिया
तो फिर आप डिजाइन रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, और डिजाइन रिपोर्ट में ये पैरामीटर होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, दैट इज इम्पैक्ट टेस्ट, एब्रेजन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन, वो सब पैरामीटर आएंगे, टाइप ऑफ सीमेंट टू बी यूज्ड, देन प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट्स। यहाँ प्रोपोर्शनिंग का मतलब है कि एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट किस रेशो में है, या कहिए कि अगर आपके पास 3 एग्रीगेट हैं, 20 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर एंड फाइन एग्रीगेट, उनको कैसे हम मिक्स करें टू अचीव द डिजायर्ड ग्रेडिंग। उसके बाद आप कॉम्पैक्शन करके रिजल्ट देंगे इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, उससे आप ओएमसी एमडीटी निकाल के दिखाएंगे, और फिर इस ओएमसी और एमडीटी के हिसाब से 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट में कितना मेटेरियल चाहिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, वो निकाल के रिपोर्ट में रखेंगे, और फिर 28 डेज क्यूब स्ट्रेंथ एंड 28 डेज फ्लेक्सर स्ट्रेंथ देंगे। ये फाइनल मिक्स आपका इस तरीके से तैयार होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप मुझे जरूर लिखिए। धन्यवाद।